Hello and welcome. This is lesson 91 of Learn Hindi through English, and in this lesson we will learn some important things. Alright, so from next lesson we will be learning karaks. Karaks in Hindi or cases in Hindi. So cases are very important for framing the sentence. Alright, so we will start learning those from next video. But for us to learn those, we need to know the things that we will be studying in this lesson. Alright? So let us start with mere liye. Mere liye is for me. For me. For is liye. Okay? In this case, for is liye. Me is mere. मेरे लिए फॉर मी, तुम्हारे लिए और तेरे लिए और आपके लिए इज फॉर यू. तुम्हारे लिए, तेरे लिए, आपके लिए इज फॉर यू. ओके, सो ट्राई टू अवॉइड तेरे लिए. एज यू नो, तू शुड नॉट बी यूज्ड on strangers. So it is used upon friends or wife or children, but it is good to use tumhare or aapke on strangers. Okay, it is a way of paying respect. Uske liye, for him or her or it or that which is far away from you. For him or for her or for it or for that. इसके लिए is for him or her or it or this which is near. हमारे लिए is for us. उनके लिए is for them when they are far away. इनके लिए is for them when they are near. Okay, so if you notice these two, this is उसके, this is उनके. उसके is used for singular, उनके is used for plural. Okay, स and न, उस and उन. उस us and un. us is used for singular, un is used for plural. IS is used for singular, IN is used for plural. Okay? Next, मुझे और मुझको. मुझे और मुझको. We have seen this, right? So, मुझे और मुझको is to me. Okay? To me. And this is also, this also comes under the rule of को, which we'll be probably studying in lesson number 93. Alright? So, we'll learn there. So, मुझको is shortened and said like मुझे. मुझे is basically मुझको. मुझे is मुझको, but short form of it. तुम्हें और तुमको और आपको. तुम्हें और तुमको और आपको is to you. Here also we have added को. Okay, को. So, shortened version is तुमे. The longer version is तुमको और आपको. There is no shortened version for आपको. There is no shortened version for आपको. तुमे is shortened version of तुमको. For आपको, there is no shortened version. So, you have to use आपको itself. Okay? Next, उसे और उसको. उसे और उसको is to him. To her, to it, to that which is far away. Okay? Usko is longer version. Use is shorter version. Same way, ise and isko. Isko is shortened version. Isko is longer version. Okay? Ise, isko. Ise, isko is to him or to her, to or it or to this which is near to you. Okay? उसे, इसे, उसको, इसको.
हमें और हमको, हमें इस शॉर्टेंड वर्जन, हमको इस लॉन्गर वर्जन, हमें और हमको टू अस, उन्हें और उनको, उन्हें और उनको, उनको लॉन्गर, उन्हें शॉर्टर, उन्हें और उनको इज टू देम फार अवे, इन्हें और इनको इज टू देम विच इज नियर, ओके नियर टू यू. सो इफ यू सी हियर, उसे, उन्हें, इसे, इन्हें, ओके से एंड ने, इफ यू कंपेयर इट विथ प्रीवियस वन, देयर ऑल्सो वी हैड हैड उसे और स एंड न, हियर ऑल्सो स एंड न, स फॉर सिंगुलर, न फॉर प्लूरल, ऑलराइट. मुझ से इज फ्रॉम मी, एडिंग से गिव्स द मीनिंग ऑफ फ्रॉम, मुझ से फ्रॉम मी, तुम से और आप से, तुम से और आप से इज फ्रॉम यू, फ्रॉम यू, इस से, इस से इज फ्रॉम हिम और हर और इट और दिस विच इज नियर, उस से इज फ्रॉम हिम और हर और इट और दैट विच इज फार, हम से इज फ्रॉम अस, उन से इज फ्रॉम देम फार अवे फ्रॉम यू, इन से इज फ्रॉम देम नियर टू यू, ओके. सो व्हेन यू कंपेयर दीज टू, इससे, इनसे, उससे, उनसे, स फॉर सिंगुलर, न फॉर प्लूरल, ओके. नेक्स्ट, मेरे साथ इज विथ मी, विथ इज साथ, साथ इज विथ, ओके. तुम्हारे साथ, तेरे साथ, आपके साथ इज विथ यू, तुम्हारे साथ, तेरे साथ आपके साथ इज विथ यू. सो ट्राई टू अवॉइड तेरे साथ, ओके. उसके साथ इज विथ हिम और हर और इट और दैट फार अवे फ्रॉम यू, इसके साथ विथ हिम और हर और इट और दिस नियर टू यू, हमारे साथ विद अस, उनके साथ विद देम फार अवे फ्रॉम यू, इनके साथ विद देम नियर टू यू, ओके. मेरे बारे में अबाउट इज बारे में इज अबाउट, तुम्हारे बारे में तेरे बारे में आपके बारे में इज अबाउट यू, उसके बारे में इज अबाउट हिम और हर और इट और दैट विच इज फार अवे फ्रॉम यू, इसके बारे में इज अबाउट हिम और हर और इट और दिस विच इज नियर टू यू, हमारे बारे में अबाउट अस, उनके बारे में अबाउट देम फार अवे फ्रॉम यू, इनके बारे में
इनके बारे में अबाउट देम विच इज नियर टू यू. ओके सो हियर टू द सेम रूल उसके उनके स न स उस उन इस इन स फॉर व्हाट इज इट सिंगुलर न फॉर प्लूरल. ओके नेक्स्ट मैंने इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट इज आई. वी विल लर्न अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट. ओके यूसेज ऑफ ने और द रूल्स ऑफ ने हैव ऑलरेडी explained it in previous some of the previous videos, but we will deal in greater detail in the next video. Okay, so maine is used for I. tu ne or tumne or aapne is used for you. usne is used for he, she, it, that which is far away from you. isne is used for he, she, it, this which is near to you. humne is used for we. unhone not unhani, not unhani as it spells here, it is unhone for they, far away from you. inhone for they, near to you. All right, next mujh me in me, where me is in. तुम में और आप में इज इन यू. उस में इज इन हिम और हर और इट और दैट फार अवे फ्रॉम यू. इस में इज इन हिम और हर और इट और दिस इज नियर टू यू. हम में is in us. In me is in them, far away from you. Un me is in them and near to you. All right, so me is in. Next mujh par is on me, where on is par. Par is on. Tum par aur aap par is on you. Us par is on him or her or it or that which is far away from you. Is par is on him or her or it or this which is near to you. हम पर is on us. इन पर is on them which is near to you. उन पर is on them which is far away from you. Next जिस for singular, जिन for plural. Remember this, जिस comes in the beginning for singular, jin for plural. jiske liye for whom, jiske liye for whom. jisko to whom singular. jinko to whom plural. I told you, right? जिससे from which or from whom singular. जिनसे from which or from whom plural. जिसने
whosoever, singular. जिन्होंने, whosoever, plural. जिसका और जिसकी और जिसके, जिसका और जिसकी और जिसके, whose, singular. जिनका और जिनकी और जिनके, जिनका और जिनकी और जिनके, whose, plural. जिस में और जिन में, जिस में और जिन में, in which, जिस में for singular, जिन में for plural. जिस पर और जिन पर is on which. जिस पर is for singular, जिन पर is for plural. Next, किस and किन. किस for singular, किन for plural. किसके लिए for whom. किसके लिए. किसको to whom, singular. किन को to whom, plural. किस से from which or from whom, singular. किन से from which or from whom, plural. किसने who or whosoever in terms of singular. किन्होंने whosoever in plural. किसका और किसकी और किसके whose singular. We have learnt it, right? We have learnt how to use this. किनका और किनकी और किनके. किनका और किनकी और किनके whose in terms of plural. किस में और किन में. किस में और किन में in which. किस में for singular, किन में for plural. किस पर और किन पर on which. किस पर for singular, किन पर for plural. Next, किसके लिए right? Wrong. This is किसी के लिए. Okay? Don't do the mistake. This is किसके लिए. This is किसी के लिए. Okay? किसी के लिए for someone. Okay? किसी के लिए has the meaning of for someone. किसी को anyone. Not किसको, it is किसी को anyone. किसी से not किससे. किससे is what we saw in the previous slide. This is किसी से from someone. किसी ने someone or somebody. किसी का और किसी की और किसी के. किसी का और किसी की और किसी के someone's. किसी में in any. Okay, in any is किसी में. In any. किस पर, not किस पर, किसी पर. किसी पर on any. Okay, किसी पर on any. So all these are किसी, not किस. Alright, from the next video I'll start telling you how, where and when to use all these words that you have seen in this video. Alright, so do not worry about all these words and their meanings. I'll try to make it as clear as possible. I'll see you in the next video. Till then, take care and thank you for watching. Click subscribe.
Click on the bell icon and click on all to get notified when we post a new video. If you want to watch more videos, click on the channel and click on playlists and follow any playlist that you want.